First of all, good morning to all of you. In the last video, we discussed the concept of organizing as well as the definition of organizing. What is organizing? You know very well. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enable people to work most efficiently, effectively together in an accomplishing objective. किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हमें काम करना है, जो भी वर्क करना है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रुप करना, उस काम को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट करना, और डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्क जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इट इज़ द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है, ऑल दोज वर्क विच हेल्प्स टू अचीविंग अ गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी वर्क है उनको आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, ओके, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना एंड उसको डेलीगेट करना. डेलीगेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एज वेल एज जो पीपल वर्क कर रहे हैं बिजनेस में उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजर. ओके, आई होप ऑर्गेनाइजिंग क्लियर होगा. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी firstly identifying and grouping the work to be performed, number 2 defining and delegating responsibility and authority, and number 3 establishing relationship of enabling people to work. With the help of these things they effectively achieve their predetermined goal. The second definition: organizing is the process of defining and grouping of the activities of the enterprise, the establishing authority relationship among them. यानी कि दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं, एंड लोगों के बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं. एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा स्कूल खोला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना, दूसरा टाइमली बच्चों से फीस लेना. अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लीजिए आप 5 मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन. तो आपके सामने पढ़ाना एक टास्क है, दूसरा बच्चों से फीस लेना और उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना. तो मैंने एक्टिविटी डिसाइड कर ली कि मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि मेरा स्कूल अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैंने एक्टिविटी डिसाइड की, कौन कौन सी एक्टिविटी, उसको डिफाइन किया, जो सेम नेचर ऑफ द एक्टिविटी उनको ग्रुप किया, और कौन बंदा काम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिपोर्ट करेगा कि देखिए मेरा ये काम हो गया, ये डिसाइड करना. जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई टीचर वर्क कर रहा है, तो वो अपना काम पूरा करेगा तो किसको जाके रिपोर्ट करेगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए. सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन इज द रिजल्ट. यानी ऑर्गेनाइजिंग से ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म्ड हो पाता है व्हेन वी follow the process of organizing. So the next step of today's video is process of organizing. The following steps are to be undertaken in the organizing process. The first step is identification and division of work. The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. Work is divided into manageable tasks so that the duplication can be avoided. With the help of
फर्स्ट स्टेप। हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बांटना, ये करते हैं। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगा कि एक काम दो लोग नहीं करेंगे। जैसे साइंस पढ़ाना है स्कूल में तो साइंस के लिए एक बंदा रखेंगे और वो बंदा एक बार जाके एक किसी क्लास में पढ़ाएगा, फिर दूसरी क्लास में जाके पढ़ाएगा, ताकि एक ही सब्जेक्ट बच्चों को बार बार ना पढ़ाना पड़े और उसे भी एक क्लास में बार बार ना पढ़ाना पड़े। सो डुप्लीकेशन नहीं होगा एंड वर्कलोड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, काम को बांट दे रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क एज वेल एज द डिविजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ओके, पहला स्टेप क्लियर हुआ। नंबर सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। वॉट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड टू स्मॉल टास्क एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर द सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, काम कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, काम को बांटते हैं, फिर जो सेम नेचर ऑफ द वर्क होते हैं उनको आपस में ग्रुप कर देते हैं, और इसी को ग्रुप कहना क्या कहलाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, स्कूल मैं शुरू से एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि मुझे स्कूल चलाना है, उसमें टीचर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, स्टूडेंट्स होंगे। सो स्कूल को चलाने के लिए पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या काम है। टीचिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है और स्टूडेंट की फैसिलिटी का काम है, तीन वर्क है। इन वर्क को मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उन सब में काम को बांट दिया। मैनेजमेंट का, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टीचर्स में, कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा, कौन सोशल साइंस पढ़ाएगा, कौन हिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, ये सब बांट दिया। कौन फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएगा, कौन लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, दिस काइंड ऑफ इज़ अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट का काम क्या होगा, जो ये देखेगा कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेगा, फीस कलेक्ट करेगा, उनके टीचर्स को प्रॉपरली क्या देगा, टाइमली सैलरी एंड वेजेस देगा, स्टूडेंट से भी टाइमली सैलरी रिसीव करना है, मैनेजमेंट का काम है। देखिए इतने सारे वर्क आइडेंटिफाई हुआ है और उन काम को मैंने आइडेंटिफाई करके फिर बांटा, और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को कि उनके क्लासरूम में फ़ैन हो, लाइट की फैसिलिटी हो, रूम प्रॉपर वर्किंग नेचर में हो, ये सब चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की, एंड देयर आफ्टर उस काम को डिवाइड किया, और जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क है उसको मैंने ग्रुप कर दिया। जैसे क्लास सिक्स में, क्लास इलेवेंथ में साइंस पढ़ाना है, क्लास ट्वेल्व में साइंस पढ़ाना है, नाइन्थ में साइंस पढ़ाना है, टेंथ में साइंस पढ़ाना है, इतनी जगह साइंस पढ़ाना है, तो ये सेम नेचर ऑफ द वर्क है ना साइंस पढ़ाना है, तो उसको मैंने ग्रुप कर दिया, उसके लिए एक साइंस डिपार्टमेंट बना दिया कि वो साइंस बंदा पढ़ाए, क्योंकि साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। उसी तरह से क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स पढ़ाना है, क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स पढ़ाना है, तो सेम नेचर ऑफ द वर्क है। पहले मैंने उसको डिवाइड किया कि क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स में क्या क्या पढ़ाना है, अकाउंट्स पढ़ाना है, BST पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, ट्वेल्थ में भी अकाउंट्स पढ़ाना है, BST पढ़ाना है और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, तो उसमें सेम नेचर ऑफ द वर्क है, अकाउंट्स अकाउंट्स, बिजनेस बिजनेस, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। तो इन सबको मैंने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनका डिवाइडेशन किया, ये क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क, फिर उस काम को बांट दिया स्मॉलर लेवल में, फिर जो सेम नेचर है अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी उसको आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स वेन वर्क हैज बिन डिवाइडेड इन टू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर द सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर, एंड दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स एक्टिविटी विच आर डिवाइडेड इन टू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी विच आर सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर विच इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन एंड टेरिटरी। यस,
इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बनते हैं, फंक्शन के बेसिस पे बनते हैं, टेरिटरी के बेसिस पे भी बनते हैं. ओके, द सेकेंड इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. वंस अ डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, ईच डिपार्टमेंट प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिपार्टमेंट हेड. देन ईच जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल. देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. मैंने काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, फिर जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क था उसको एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. अब उस डिपार्टमेंट का कोई एक हेड होगा, वो हेड उस डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी बंदे हैं, उनके नेचर, स्किल, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड करेंगे और इसी को बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, दिस लास्ट एंड फोर्थ स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ड्यूटी के लिए मेरी कोई ना कोई, मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी मिली होगी, एज वेल एज कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी. तो हम अपने काम को पूरा करने के बाद हम किसी ना किसी के लिए तो एंसरेबल होंगे. अगर वो काम सही हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर वो काम टाइमली नहीं हो रहा है, काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, देन इन सच सिचुएशन हमें किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा. सो इसके लिए हम द फोर्थ स्टेप विल बी फॉलोड, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉई हैज सम अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, इट इज़ नेसेसरी डेट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नोन हुम ही हैज़ टू बी टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हुम एंड टू रिसीवेबल. यानी जो इंडिविजुअल जिसको ड्यूटीज असाइन हुई है, जॉब एलोकेट हुआ है, उसको ये भी तो पता होना चाहिए उसको ऑर्डर किससे लेना है और किसको जवाब देना है. दिस क्रिएट्स सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स हायरार्की. जैसे स्कूल में क्या होगा, सबसे टॉप में स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे होगा उस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर और उसके नीचे होगा टीचर्स. तो प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे किसको, कोऑर्डिनेटर्स को, एंड कोऑर्डिनेटर्स किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, टू द टीचर्स. तो और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. तो प्रिंसिपल ने क्या किया, ऑर्डर दिया टू द कोऑर्डिनेटर, एंड कोऑर्डिनेटर ने किसको ऑर्डर दिया, टू द टीचर्स. सो टीचर्स किसको रिपोर्ट करेगा, टू द कोऑर्डिनेटर, और उन्हीं से ऑर्डर लेगा, और ये किसको देगा, प्रिंसिपल को. क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो हेयर इट इज़ अ फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग द डिवीजन ऑफ द वर्क. नंबर टू, डिपार्टमेंटलाइजेशन. नंबर थ्री, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. एंड नंबर फोर, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Why organizing is important? Because of, with the help of organizing, the first of all, we opt the benefits of specialization. You know very well, under the this process, first of all, we identify as well as the division of the work. And work allocate those person who are able to do this type, this kind of work. So, अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उसी बंदे को वो काम देंगे जो कि उस काम को करने के लिए क्या होगा, एबल होगा, जिसके पास उस काम को करने के लिए नॉलेज होगा, उस काम को करने के लिए स्किल होगा. तो स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट्स तो हमको मिलेंगे. सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ वर्क रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज इनहेंस प्रोडक्टिविटी. एज ईच टास्क इज रिपीटिवली परफॉर्म बाय द वर्कर, इट हेल्प्स टू गेन एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन. अगर आप किसी काम को, किसी बंदे को उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जो कि हम थर्ड स्टेप में देते हैं ना असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में, तो जाहिर सी बात है वो उस काम को करेगा तो उसका एक्सपीरियंस उसमें यूज़ होगा, और जाहिर सी बात उस काम में हमें किसका बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का. नंबर सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. यू नो द फोर्थ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप,
द एस्टेब्लिशिंग ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लेरिफाई द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्पेसिफाई विच इज अकाउंटेबल टू होम एंड देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन. यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू हमें क्या होता है, हमें ये चीज़ क्लियर होती है हमें ऑर्डर किससे लेना है और किसको अपना आंसर देना है, किसको अपने क्लैरिफिकेशन देना है, किसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है. सो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एक अच्छा वर्किंग कंडीशन क्रिएट होता है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है तो वहाँ काम करना ईजी नहीं हो पाता. The third benefit of the organizing is the optimum utilization of resources. It leads to a proper use of all material, finance and human resources by the proper assignment of jobs. Assignment of job to worker reduces duplication of the work, prevents confusion, minimization of wages, wastage and allows the best possible use of resources. You know, अगर किसी काम को हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह के resources होने ज़रूरी हैं, material, financial and human. This is material is a human resources, financial resources and physical resources. सो उनका प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़रूरी है. वो प्रॉपर यूज़ तभी होगा जब हम उस काम को इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल एज वेल एज देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर इंडिविजुअल के पास उस काम को करने के लिए एबिलिटी ही नहीं है तो क्या उस काम को कर पाएगा? नहीं करेगा. और अगर हम काम को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेंगे तो एक काम जो है एक बंदा एक काम को कई बार करेगा ठीक है, लेकिन एक काम को 10 लोग करेंगे. एक क्लास में कोई बंदा जाके साइंस पढ़ा रहा है, फिर दूसरा बंदा भी जाके टीचर साइंस पढ़ा रहा है, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है. तो क्या वो रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो? नहीं. आपके स्कूल में टीचर तो हैं बट आप उस टीचर का इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पा रहे हो. टीचर इज ऑल्सो रिसोर्सेज. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, एक डिपार्टमेंट का काम है प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल लेना, फिर दूसरे बंदे का उसको प्रोड्यूस उससे फिनिश गुड बनाना और तीसरे काम उसको पैकिंग करना. अब हमने ये डिवाइड ही नहीं किया है तो ऐसा भी होगा ना कि प्रोडक्ट की दो दो बार तीन तीन बार पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने काम बांटा ही नहीं है. एक ही बंदा पैकिंग भी करेगा, फिर वही बंदा पैकिंग भी कर रहा है, फिर दूसरा बंदा भी आके पैकिंग करने लगेगा, क्योंकि दूसरे बंदे को काम ही नहीं अलॉट है कि उसे प्रोडक्शन करना है. अगर हम उसको क्लियरली उसको जॉब एलोकेट कर देंगे तो वो उस काम को करेगा ना कि दूसरे काम, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देर इज़ अ नो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, इट रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. An adaptation of the change. It facilitates modification of organizational structure and revision of interrelationship among people in order to adapt to environmental changes. जब हम organization create करते हैं, it is ready to provide stability and growth despite of external changes occurring in the business environment. With the help of organizing, you know very well कि हमें कैसे organization का create करते हैं जो कि business में होने वाले जो future changes हैं या और environment में जो होने वाले changes हैं उसके लिए वो रेडी रहता है. अब वो समय समय पे उस चेंजेस को अपने बिजनेस में अडॉप्ट भी करता है. द नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इट गिव्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल्स. दिस हेल्प्स टू अवॉइड अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वर्क एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज. एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होता है जो लोगों को उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है एज वेल एज वर्क के बारे में जो उनकी भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करता है. जैसे मैं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे किसी काम को करने के लिए कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं किसके पास जाऊँगा? कोई मेरा सुपीरियर होगा, हम उसके पास जाएंगे, उससे अपने काम को और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे. कन्फ्यूज़न कोई होगा तो वो हम दूर करेंगे. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स